तेल का ट्रक लूटकर भागे लुटेरों ने टैंकर पलटाया, ग्रामीण लूट ले गए थे। कोलारस अनुविभागीय थाना क्षेत्र के ग्राम खरई में चार लुटेरों ने पाली से आगे बाइक ट्रक के आगे लगाकर टैंकर जो कि सरसों का तेल लेकर फतेहाबाद से ग्वालियर जा रहा था, तभी कुछ लुटेरे लूटकर चालक को बंधक बनाकर टैंकर लेकर भाग निकले। ऑटो से पहले ही बचने के लिए टैंकर को ग्राम नेतवास मार्ग की ओर ले गए, तभी अचानक टैंकर पुलिया में पलट गया। इसके बाद सभी लुटेरे भाग निकले और ग्रामीणों ने टैंकर का तेल लूटना चालू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कोलारस थाना प्रभारी आलोक भदौरिया तेलुआ थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। फतेह नगर से भर के आ रहे थे, अभी ये खरई बॉर्डर क्रॉस किया, उसके आगे जो पाली है ना, पाली के पास टन पे चार बाइक वाले आए और गाड़ी को रुकाया, आगे बाइक खड़ी कर दी, गाड़ी रोकी और बस देवादाई होने लगी और गाड़ी मेरे को नीचे उतार दिया, गाड़ी लेके चले गए। वहाँ से हम फिर तेंदुआ थाने चले गए। क्या गाड़ी कहाँ पे खड़ी कर दी? गाड़ी खड़ी नहीं, वो गाड़ी मैंने रोकी, वो आगे बाइक खड़ी कर दी, चलते में लटक गए गाड़ी पे, देवादाई हुई तो हमने गाड़ी बंद करके कूद गए नीचे, वो मेरे पीछे भजे और मैं भज गया थाने तरफ को, वो गाड़ी स्टार्ट करके ले गए। उसके संबंध में मालिक से बात हो रही है, टैंकर मिल गया है और वो आ जाएंगे तो जो बताएंगे कि लूट की गई है या कोई और मामला है तो फिर कार्रवाई करेंगे। टैंकर मिल गया है, वो ड्राइवर का कहना है कि दो बाइक से चार लोग सवार होकर आए थे, उन्होंने ट्रक के आगे बाइक रोक लगा दी, गाड़ी रोककर और ड्राइवर को मारने लगे, ड्राइवर मौके से भाग गया, कंडक्टर उसमें रह गया और वो उनके पीछे उनका एक टैंकर और भी आ रहा था। तो ये क्या पूरा ऐसे कि लूट की? अगर ड्राइवर ये बताता है कि लूट की घटना, तो लूट की टाइमिंग की जाएगी सर? क्षेत्र में आज ये तीसरा मामला है सर, दो लूट के बाद तीसरी लूट का, क्या आपको नहीं लगता सर पुलिस के लिए कोई एक चुनौती भी? एक बिल्कुल सही बात है, हम चुनौती के रूप में स्वीकार करें, हम जल्दी से जल्दी सब निकाल लेंगे। जहाँ तक टैंकर वाला मामला था, टैंकर बरामद हो गया है, मुजरिमों की भी तलाश चल रही है और जो मंडी में लूट हुई है उसके बारे में भी काफ़ी प्रयास जारी हैं और वो उसको भी हम लगभग ट्रेस कर रहे हैं। सर जो महिलाएं पकड़ी हुई हैं वो क्या उनसे कुछ पूछताछ पता चला है और कहाँ कहाँ चोरी की उन्होंने? अभी हाल ही में तो जो जानकारी मिल रही कि शिवपुरी में भी उन्होंने घटना की है और हमारे यहाँ तो घटना जो की थी और उसमें बैंक जो गार्ड है उसकी काफ़ी सजगता रही है, उसके सहयोग से वो पकड़ लिए गए हैं और पुनः पंजीयन। आज सर उन्होंने कहाँ पे वारदात को अंजाम दिया था सर? आज बैंक है, स्टेट बैंक के पास अंजाम दिया था, वहाँ गार्ड ने देख लिया जिस व्यक्ति के साथ घटना घटित हुई थी, उसको ऐसा लगा कि मेरे बैग में वजन कुछ कम लगा, उसने जैसे पीछे पलट के देखा तो महिला जा रही थी, उसने चलाया और बताया तो बैंक गार्ड ने उसकी मदद की और वो पैसे और वो सब मिल गया। अरे आज से आज मतलब एक कुछ समय पहले आज भी दूसरी जगह वारदात की है इन महिलाओं ने इस बैंक कॉलर के अलावा? नहीं, अभी जो जानकारी मिल रही है पुख्ता जानकारी में स्पष्ट नहीं कह सकता, जब तक कायमी वहाँ रिपोर्ट करता नहीं पहुँचा, कायमी नहीं होती है तो सूचना जो मिली है उस हिसाब से शिवपुरी में भी घटना की।